एशियन गेम 2018 में रजत पदक विजेता धाबिका सुधा सिंह इन दिनों धर्मशाला भ्रमण पर हैं। अक्सर महादेव मंदिर में मांगी गई मन्नत पूरी होने पर मंदिर में शीश नवाने पहुंची यूपी के रायबरेली की रहने वाली 32 वर्षीय धाबिका सुधा सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बचपन में उनका मन पढ़ाई से ज्यादा खेल में लगता था। ट्यूशन के लिए जाने के लिए वह पहले ही घर से निकल जाती थी और कभी तो दौड़ लगाने के लिए ट्यूशन मिस कर देती थी। सुधा ने कहा कि एक दिन की प्रैक्टिस से सफलता नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि वह धर्मशाला में भी प्रैक्टिस कर चुकी हैं तथा इसके बाद अनंत प्रैक्टिस के लिए गई थी। धर्मशाला स्थित स्टेडियम ट्रैक उच्च ऊंचाई पर है, ऐसे स्थान पर प्रैक्टिस की परिणाम सार्थक रहते हैं। धर्मशाला का सिंथेटिक ट्रैक इंडिया का बेहतरीन ट्रैक है। इससे पहले वो ऊटी में प्रैक्टिस करती थी। एशियन गेम में जीते मेडल पर सुधा ने कहा कि ये मेडल मेरा नहीं बल्कि पूरे इंडिया का है। मेडल कभी अकेले का नहीं होता बल्कि इसमें सभी का सहयोग रहता है। गौरतलब है कि सुधा सिंह ने एशियन गेम 2018 में महिलाओं की 3000 मीटर सर्टिप्लेस प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। यूपी सरकार ने उन्हें डिप्टी डायरेक्टर का पद ऑफर किया है जिसका पेपर वर्क जारी है। सुधा सिंह ने वर्ष 2010 में चीन में आयोजित एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अतिरिक्त प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर चुकी हैं। 32 वर्षीय धाविका ने कहा कि कई लोग उनसे कहते थे कि अब आपकी उम्र पदक जीतने की नहीं रही। ऐसी ही अड़चनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। यही नहीं, कई कोचों ने तो उन्हें कोचिंग देने से भी इनकार कर दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और कई अड़चनों के बावजूद प्रैक्टिस करती रही और परिणाम आपके सामने हैं। अब सुधा का फोकस आगामी वर्ष होने वाली एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है, जिसका कैंप बेंगलोर में लगना प्रस्तावित है। सुधा ने बताया कि वह पहले चाहती थी कि स्टेट में गोल्ड आ जाए, काफी है, फिर नेशनल की लालसा जागी और बाद में इंटरनेशनल की इच्छा जाग उठी। आपने ट्रेनिंग की, उसको उससे आपको क्या फायदा रहा? जो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की, जैसे कि आपको पता है ये भी एक हाई अल्टीट्यूड है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर हाई अल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग नीचे सी लेवल में जाके हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है, अपनी इंडिया में हाई अल्टीट्यूड पे कहीं भी अभी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने, हम लोग ने एक साल कंटिन्यू ट्रेनिंग किया, जिससे ही हम लोग का ये परफॉर्मेंस जो एशियन गेम्स में मैंने मेडल लिया है उसमें भी सबसे बड़ा रोल तो हाई अल्टीट्यूड का भी है। और धन्यवाद करते अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन्होंने इतनी सुविधाएं और सब भी लोग सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि वो लोग भी अलाउ किए, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम आती थी चाहे हैडल्स की हो तो वो लोग कंटिन्यू एक कोच हमारे साथ खड़े रहते थे, आज क्या चाहिए क्या चाहिए। और जो हमारे डायरेक्टर है ललिता शर्मा मैडम है, उन्होंने वो तो यहाँ पे आके हम लोग को प्रॉब्लम पूछती थी आज क्या चाहिए, फूड में क्या चाहिए, क्या चीज बढ़ा सकते हैं। तो उन सभी का सहयोग से आज ये मेडल आया है। और आप इस जो अपना सिंथेटिक ट्रैक है ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि हर जगह हाई अल्टीट्यूड पे नहीं है, इसलिए हम लोग का जो परफॉर्मेंस आया है सब यहाँ। और क्योंकि अगर हम पुराना बेस पे प्रैक्टिस नहीं करें तो लास्ट मोमेंट का ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस नहीं आता है, जो एक साल बहुत होता है। आपका आगे लक्ष्य क्या है? आगे लक्ष्य हमारा एशियन चैंपियनशिप है और वर्ल्ड चैंपियनशिप है और 2020 ओलंपिक्स उसके बाद। मैडम यहाँ पे जो सिंथेटिक ट्रैक में जो कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए अभी तो मुझे लगता है कमियां तो शायद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी अगर और चीज़ें जो भी हैं, या हॉस्टल को या थोड़ा सा और सपोर्ट उन लोग बच्चों को सपोर्ट करें, जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके लिए चाहे कोई भी स्पॉन्सर की तरह, हर बच्चा अच्छे घर से नहीं रहता है और सभी को जूते स्पाइक्स में बहुत पैसे भी लगते हैं, 10-10 हज़ार लगते हैं। तो बस एक ही कमी है कि स्पॉन्सर हो या अपनी प्रदेश सरकार है वो लोग उनको सपोर्ट करें और इन सब चीज़ों को उनको दिलाएं, जिससे वो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस का। हिमाचल की उभरती हुई प्रतिभाओं के लिए आपका क्या संदेश? बस मुझे यही है वो लोग अच्छा करें और चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो और वो आगे एशियन गेम्स तक, एशियन गेम्स में ही नहीं आगे टारगेट उनका रहना चाहिए ओलंपिक्स, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, डायरेक्ट ओलंपिक का देखेंगे तो ओलंपिक में भी मेडल ला सकते हैं। और सुबह शाम प्रैक्टिस करें, गैप ना करें, मेन यही है प्रैक्टिस का। और जो बच्चे आजकल के नशा कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए तो यही है आप लोग प्लीज़ ये सब ना करें, क्योंकि ये सब अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और ज़्यादा आपको अगर लंबा उम्र जो भी है आप सब जानते ही हैं, तो ये सब चीज़ बिल्कुल ना करें। थैंक यू मैडम।